हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निफ्टी के टॉप गेनर पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी में टॉप गेनर में तीन कंपनियां हैं, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विस। ये तीनों के तीनों बजाज ग्रुप की कंपनियां हैं और इसमें काफी तगड़ा जंप देखने को मिला है। और हमने पहले से ही बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस और बजाज फिन सर्विसेज पर काफी वीडियो बना करके अपलोड किया था। उस समय ये तीनों स्टॉक काफी निम्नतम स्तर पर चल रहे थे और उसमें हम लोगों ने इसके पूरे फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हुए ये पाया था कि ये सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और कोविड के चलते इसमें मार पड़ी है और जिसके चलते इनका शेयर भाव काफी टूट गया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यूनतम जो है तकरीबन 1830 के आसपास चला गया था बजाज फाइनेंस का प्राइस। और उसके बाद हम लोगों ने एनालाइज करके पाया था कि बजाज फाइनेंस जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। पंद्रह बीस सालों से, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो बजाज फाइनेंस का है, ये पिछले 10 सालों में 40% CAGR के रेट से अपना सेल्स ग्रोथ की है और इनका प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 10 साल में ये 60% के रेट से ये अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को ग्रो कर पाने में सक्षम रही है। और इनका स्टॉक प्राइस भी 50% सालाना की दर से ये बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 20% सालाना की दर से हर साल बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और ये काफी स्ट्रांग परसेंटेज वाली कंपनी है और इनका जो नेट प्रॉफिट भी है दोस्तों, ये 2008 में 21 करोड़ हुआ करती थी जो कि में ये 4,881 करोड़ का हो चुका है। तो इनका ट्रिमेंडस ग्रोथ रहा है नेट प्रॉफिट में। अगर हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये देखिए पूरा का पूरा इसमें काफी जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन ये कोविड के चलते दोस्तों यहाँ पर देख लें, काफी शार्प इसमें डाउन ट्रेंड आया था और ये जो है 1900 के भी लेवल को तोड़ी थी ये स्टॉक। हालांकि इस चार्ट में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम चार्ट है, लेकिन ये 1900 के भी स्तर को भी तोड़ के नीचे चले गई थी। उसके बाद इसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पुराने बजाज फाइनेंस के वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें ढेर सारी जानकारी हमने दी थी। लेकिन आज की चर्चा का विषय सिर्फ बजाज फाइनेंस के चार्ट तक ही सीमित रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बजाज फाइनेंस जब लॉकडाउन हुआ था उस समय ये तकरीबन 4900 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और लॉकडाउन के बाद इसने क्रैक होकर के लगभग 2244 रुपये के आसपास ये क्लोजिंग हुआ था। और उसके बाद फिर से इसमें अनिश्चितता के माहौल बनी और ये लगभग 1780 तक के लेवल तक ये आ चुका था। उसके बाद इसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और ये लगातार ऊपरी स्तरों को जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रीन वाली लाइन है का ग्राफ है, ये 50 MA को क्रॉस कर सकते हैं कि की एक कंपनी है और इसमें काफी तेज बिकवाली आई थी। हालांकि फंडामेंटल्स में किसी प्रकार की भी कोई भी खराबी नहीं आई है, मैनेजमेंट में कोई भी खराबी नहीं आई है, लेकिन कोविड सिनारियों के चलते जो सारे लॉकडाउन हुए और बहुत सारे इश्यूज मार्केट में उत्पन्न हो गए, मॉरेटोरियम लगाया गया RBI के द्वारा, बहुत सारे इश्यूज आ गए, इसलिए इसमें निगेटिविटी काफी बन गई थी और
ये शेयर काफी टूटा था, लेकिन अब इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये लगातार ऊपरी स्तरों को छूने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग दोस्तों ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो इसका 200 EMA है 3114 के आसपास, उस स्तर को ये जरूर छूने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पाया कि बजाज फाइनेंस जो कि बजाज ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है और लगातार कुछ दिनों से तेजी बनी हुई है, और हम लोग अभी एनालाइज करके पाए हैं कि आने वाले दिनों में भी इसमें तेजी बने रहने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, और आगे लगातार आप हमारे अपलोड किए हुए वीडियो को लगातार देखते रहें।